ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इनके फार्म पे एबीएस के बच्चे काफी संख्या में आए हुए हैं। शिवनारायण जी पहले नॉर्मल सीमेन यूज करते थे तो उससे उनको इतना मतलब मेल काफ भी आते थे, लेकिन अभी जब से इन्होंने सेक्सल सीमेन पिछले साल से यूज करना स्टार्ट कर दिया है तो ये देखिए करीब 6 से 7 बच्चे सेक्सल सीमेन के पिछले साल के लॉट में आ चुके हैं। और अभी वर्तमान में जो इनके पास में जो लॉट लिया इन्होंने उसमें से कम 4 से 5 फिर से अभी जिग बीस्ट से अभी और पाइपर से कंसीव है। तो शिवनारायण जी आप बताएं हमारे किसान भाइयों को कि जब से आपने एबीएस का सेक्सल सीमेन यूज कर रहे हैं तो आपको इसके क्या फायदे नजर आ रहे हैं और आप किस तरह से इन सब सारी चीजों को देखते हैं। सर मैं 2010 से काम कर रहा हूँ पर बाकी मेरे को अभी तक एबीएस के जो सीमेन है वो 2019 में मिले हैं जी, जिसमें कुछ मेरे पास टाइसन के बच्चे हैं जी, कुछ हल्क के हैं जी, और बाकी पिछले साल मैंने 10 सीमेन सेक्स खरीदे थे तो जिसमें से 6-7 गाय कंसीव हुई थी तो उसमें से अपने ये सब बछड़िया उसी की है जी। इसमें स्नोमैन है जी, और पाइपर है जी, और एक वो जीक की है जीक जी। हाँ जी, और अभी कर रहे हैं बड़ी इनको जी 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 जी, ये साल भर में गैबिन होगी फिर जी। और तो अभी वापिस फिर दूसरा लाट फिर खरीदा है जी जी, इसमें से 20 की 2 कंसीव है जी, 2 पाइपर जी, और 2 स्नोमैन की। तो शिवनारायण जी आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे ब्रीडिंग से? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रीडिंग पे थोड़ा सा अच्छा ध्यान देंगे तो फर्स्ट लैक्टेशन की मेरे यहाँ पे पहले 7 लीटर दूध देती थी, फिर थोड़ा सा ब्रीडिंग सुधरी तो उसमें से 20-22 लीटर हुआ और आज अपने पास 30 लीटर वाली भी फर्स्ट ब्रीड में जी 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 जी, ये वाली लगभग 30 लीटर प्लस है जी 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 जी, और ये इसकी बच्ची है जी, और ये दूसरी गाय जी, और अभी ये स्नोमैन की हुई है ये वाली, ये कितने दिन की है? ये सर लगभग 10 दिन की जी जी। और बाकी इसमें से पाइपर है और स्नोमैन है जी, वो जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया शिवनारायण जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि मैं धन्यवाद एक तो आपको देना चाहता हूं, एक संदीप सर को भी देना चाहता हूं, वो अपने यहाँ पे एबीएस के सीमन लाया। मैं बहुत परेशान था पहले जी, 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 जो मेरे को ब्रीडिंग के लिए मैं जो काम करता था ना वो ब्रीड मिल नहीं रही थी जी, जी, और जब से संदीप सर एबीएस के सीमन यहाँ पे एमपी में लाना चालू करे तो उसी से फर्स्ट 19 में मैं जुड़ गया था, तो 20 लगभग सीमन मैंने खरीदे थे ये कन्वेंशनल, तो उसमें से 2 खेरी थी और उसके बाद में वो लॉकडाउन लग गया था तो उसमें फिर क्या हुआ कि वो सीमन खराब हो गए थे जी, तो उसी में से भी दोनों बच्चे ही हुए जी जी, मेल काफ हुए। हाँ, मेल ही काफ हुए जी, फिर 6-7 बच्चे पिछले साल भी हुए जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेक्सल सीमन भले ही महंगा पड़ता है जी, पर बाकी अपने को इसमें से रिजल्ट भी मिलेगा और अपना जो दूध के हिसाब से जो पिलाते करते हैं उसे काफी 3 बार अगर सेक्सल सीमन लगा दो जी, जी, तो भी मेरे हिसाब से तो आप सेक्सल सीमन में अगर कंसीव हो जाएगा है, तो बहुत फायदेमंद होगा जी 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 जी। तो कुल मिला के आप किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि आप सेक्सल सीमन यूज करो जिसके फायदे आपको नजर आ रहे हैं सेक्सल सीमन के। देखिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवनारायण जी। सर धन्यवाद आपका, जो आप एबीएस का सीमन उपलब्ध करा रहे हैं जी 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 जी, और संदीप सर का भी धन्यवाद जी जी जी, और पूरे जो एमपी में जो फार्मर के लिए जो आप सेवा दे रहे हैं उसके लिए मैं आपसे आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी जी जी, ओके जी।